दोस्तों हॉर्स राइडिंग को लेकर हुई है एक बड़ी खबर सामने आई है राधे मूवी को लेकर। जी हाँ, बता दें कि हॉर्स राइडिंग वाले सीन होंगे राधे मूवी में, आखिरकार किस तरह का होगा, तो वही चलिए हम इस वीडियो में बात करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं राउंड वर्ल्ड न्यूज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रणदीप हुड्डा भी घोड़ों से काफी ज्यादा लगाव रखते हैं, वहीं सलमान भाईजान भी घोड़ों से काफी ज्यादा लगाव रखते हैं। बात कर ली जाए तो जितने भी सलमान भाईजान की पिछली फिल्में आई हैं, जैसे कि टाइगर जिंदा है, ऐसी फिल्मों में सलमान भाईजान का घोड़े वाला जरूर सीन रहता है, जो कि आपको उस फिल्म के भीतर भी देखने को मिला है। और फिल्म ऑटोमेटिक ब्लॉकबस्टर भी हुई है। इस तरह के मार्वेलस सीन को देखते हुए पब्लिक ने काफी ज्यादा सीटियां भी बजाई है। बिल्कुल उसी तरह दोस्तों सलमान भाईजान की इस फिल्म राधे में होने वाला है सलमान भाईजान का इस तरह का एक्शन सीन। यहां बात कर ली जाए तो इसमें सलमान भाईजान घोड़े की सवारी करते हुए नजर आएंगे। जहां घोड़े वाले सीन होंगे जिसमें सलमान भाईजान के हाथ में भाला होगा और सलमान भाईजान घोड़े पर सवार होकर दुश्मनों का सफाया करते हुए नजर आएंगे इस फिल्म के भीतर। बात कर ली जाए तो दोस्तों रणदीप हुड्डा भी घोड़े के काफी शौकीन हैं, तो इस फिल्म के भीतर उनकी जो स्टोरी होगी जुड़ी हुई वो होगी इस तरह की, जहाँ पर वो घोड़ों पर बैट लगाते हैं और पैसे का इधर से उधर करते हैं काफी लोगों से। यहाँ बात कर ली जाए तो सलमान भाईजान की इस फिल्म की कहानी काफी दिलचस्प होने वाली है। वही दोस्तों सलमान भाईजान के इस घोड़े वाले सीन को लेकर लोगों में काफी ज्यादा क्रेज भी देखा जा रहा है। बात कर ली जाए तो इसको लेकर जहाँ पर चर्चाओं का विषय बना हुआ है, वहीं से पहले सलमान भाईजान ने टाइगर जिंदा है में भी घोड़े की सवारी की थी। जहाँ टाइगर जिंदा है वाला फिल्म जो आया था उसमें भी थोड़ा सा सीन था जिसमें घोड़े वाले सीन रखे गए थे। लेकिन दोस्तों अगर बात कर ली जाए तो इस फिल्म के भीतर भी सलमान भाईजान भी घोड़े की सवारी करते हुए नजर आएंगे, और बात कर ली जाए रणदीप हुड्डा की तो रणदीप हुड्डा भी इसमें घोड़सवारी करते हुए नजर आ सकते हैं, जो कि इनसाइड सोर्सेस खबरें आ रही है। वैसे दोस्तों इनसाइड सोर्सेस ये भी खबरें हैं कि रणदीप हुड्डा का जो करेक्टर है वो घोड़ों पर बैट लगाता है, और आखिर क्या होगा ये तो देखना काफी दिलचस्प होता है। लेकिन दोस्तों बात कर ली जाए तो ये फिल्म की कहानी काफी दिलचस्प होने वाली है। जैसा कि सलमान भाईजान ने बताया था कि ये फिल्म वांटेड का बाप होने वाला है, आखिरकार क्या होता है ये तो देखना काफी दिलचस्प होगा। साथ ही दोस्तों आपको क्या कहना है इस फिल्म को लेकर, नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।